गाइस, गुड इवनिंग। अभी तो वैसे 3:30 बजे हुए हैं और मैं गॉगल्स इसलिए लगाई हुई क्योंकि धूप बहुत तेज है तो आँख में पड़ रही थी, इसलिए मैंने गॉगल्स लगाए हुए बाहर हूँ। और ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं वो है कार की चाबी। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि मैं यूट्यूब में कैसे आई। अपने थंबनेल देख करके तो जान गए होंगे कि मैं किसको क्रेडिट देना चाह रही हूँ। तो मैं इसका क्रेडिट तो कार को देना चाहती हूँ कि मैं कार की वजह से ही यूट्यूब में आई हूँ। मतलब एकदम से मेरा कैसा, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा यूट्यूब में मतलब ब्लॉग बनाऊंगी या फिर वीडियोस डालूंगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास एक पुरानी कार थी आल्टो, पहले मेरे पास आल्टो LXi कार थी, मैंने हम लोगों ने वो 2009 में खरीदी थी। तो बस वो काफ़ी पुरानी हो गई थी तो बहुत इच्छा थी कि नई कार लें, तो ऑफर बहुत चल रहे थे। ये जुलाई मैंने कार ली है, जुलाई 18 जुलाई 2019 में। तो मैंने कौन सी कार ली है सब मैं अभी आपको बताती हूँ वीडियो में। तो क्या हुआ कि मैं बहुत देखती थी यूट्यूब और इतना सर्च करती थी यूट्यूब में कि कार कौन सी लेनी चाहिए, किस में ऑफर चल रहे हैं, ये वो। मतलब 1-2 महीने से मैं बहुत, अब बहुत ज़्यादा मेरे को था कि मुझे नई कार लेनी है। काफ़ी पुरानी हो गई थी वो, अब 2009 की थी, लेकिन बट उसके बाद भी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये मैं कभी चलाती थी या फिर ये चलाते थे, उसके अलावा वो कार किसी के हाथ में नहीं जाती थी, इसलिए उसका मेंटेनेंस तो बहुत अच्छा था। बट एक वो था ना कि नहीं, मेरे को नई कार चाहिए, कुछ नया होना चाहिए और पुराना बहुत हो चुका। तो इसी उससे मैं बहुत YouTube देखती थी और YouTube में इतना ज़्यादा मतलब कार के बारे में, मैं क्या कार को बाहर से ही देख करके सब जान जाती थी कि अंदर क्या क्या, इतना ज़्यादा मैं YouTube देखती थी। YouTube में मतलब बहुत कार सर्च करती रहती थी, तो लोगों का देखने का स्टाइल वो, बस एक मन में आया यार मैं भी ऐसी ब्लॉगिंग करूँगी क्या कभी, ऐसा मन में आता था। YouTube में आने का पूरा क्रेडिट कार को देती हूँ क्योंकि अगर मैं कार का पूरा नहीं देखती, सर्च नहीं करती तो इतना मुझे नॉलेज नहीं होता कि YouTube में कैसे लोग बात करते, क्या करते हैं, कैसे मतलब ब्लॉग बनाने का कैसे मन में आया। और फिर उसके बाद कार हमने ली और फिर उसके बाद हो गया यूट्यूब के जैसे कहते हैं ना लत लग जाना, तो यूट्यूब में मेरी एक लत लग गई थी। बस आए दिन जो भी सर्च में आ जाता था उसी को बस वीडियो खोला और देखने लगा। ऐसे धीरे धीरे मैंने 1-2 ब्लॉगर को भी देखने लगी तो बस फिर मेरे मन में आया यार मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या, मैं भी करके देखती हूँ। तो 1-2 वीडियो पहले मैंने बनाने स्टार्ट किए, फिर मेरे को लगा यार चलो, पहले तो बहुत अंदर से झिझक आती थी कैसे करूँगी क्या करूँगी, फिर धीरे 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 मैं YouTube में आ गई और बस वीडियो वगैरह डालने लगी। तो आप लोग बताइएगा वीडियो यार अच्छे रहते हैं या नहीं अच्छे रहते हैं, कुछ कमेंट भी किया करिए कि अगर कुछ कमी है वीडियो में, कुछ आप कुछ और देखना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आप उसमें बताइए कि क्या कैसा है। तो चलिए मैंने जिसको YouTube में आने का क्रेडिट दिया है उससे मिलवाती हूँ, चलिए। तो मिलिए मेरी न्यू कार से, ये मतलब कार चलाने में ना बहुत मज़ा आता है यार, ड्राइविंग करने में। ये बाहर खड़ी है आज कार, अंदर रख लेते हैं लेकिन कहीं जाना रहता है तो बाहर ही खड़ी कर देते हैं। ये ग्रैंड आइटन मॉडल है, आस्टा टॉप मॉडल है ग्रैंड आइटन का, 5 लाख में पुरानी कार देने के बाद, बस हम 5 लाख लगा था और डिस्काउंट कुछ करा लिया था। ये कीलेस एंट्री है, ये देखिए इसमें कोई चाबी नहीं है और इसको यहाँ से ये अनलॉक हो गई। धूप में खड़ी है ना तो बहुत गर्म है, अभी गर्म बिल्कुल हवा निकल रही है, इसको थोड़ा सा खोल देते सारे गेट। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी कार है, इतनी इजी चलती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और कार ड्राइव करने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इसमें मैंने अलग से कुछ भी नहीं लगवाया, जो भी शोरूम वालों ने लगाया है वही है, अभी इसमें कुछ भी मैंने अलग से नहीं लगाया। ये सीट कवर वगैरह सब उन्हीं लोगों ने दिया था और इसमें भी एक स्टेयरिंग में भी एक कवर चढ़ा हुआ, ये भी उन्हीं का है,
क्योंकि इसके बाद कुछ भी अभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बस एक ये बस लगवाया है। इसको पुश करके चालू करेंगे, ये देखिए ये बैक कैमरा आ गया पीछे का, पूरा सब कुछ है। मतलब इसमें कोई भी चीज़ की मुझे ऐसा नहीं लग रहा कमी है। इसमें पीछे एसी भी दी हुआ, मैं अभी पीछे जाके आपको बताती हूँ। और यहाँ चार्जर भी दिया है, यहाँ चार्ज करने का है। कि पीछे भी इसमें एसी दिया हुआ है, पीछे वालों को भी बहुत आराम रहता है इसमें। तो आप बताइए कि हमारी कार आपको कैसे लगी। ये मैंने 18 जुलाई 2019 मिली थी, इसकी मैं कार लेते समय की फ़ोटो भी बगल में लगा दूंगी। मैं आने का क्रेडिट इसी को ही देती हूँ। अगर मैं कार सर्च नहीं करती, कार नहीं देखती, तो शायद इतना यूट्यूब में नहीं देखती। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।